हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए बच्चों, यहां पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए बच्चों यहां पर जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बच्चों यहां पर आपका एग्जाम कैलेंडर बच्चों ये जारी कर दिया गया है। आपका कौन सा एग्जाम बच्चों किस डेट को यहां पर होना है, तो सभी विद्यार्थीगण बहुत ही अच्छे से यहां पर ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पर आपकी डेट यहां पर निर्धारित हो चुकी है। तो किस एग्जाम की कौन सी डेट है विद्यार्थियों, तो यहां पर अगर जो है प्रारंभिक तौर पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर जो आपकी आर ओ और ए आर ओ की जो वैकेंसी थी बच्चों, ये इसका जो एग्जाम जो होना है विद्यार्थियों, यहां पर सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, यहां पर आर ओ आर ओ का एग्जाम डेट बच्चों यहां पर 11 फरवरी जो है, ये बच्चों मुख्य रूप से आपका 11 फरवरी को ये एग्जाम होना है। ठीक है, ये आर ओ आर ओ बच्चों समीक्षा अधिकारी का जो है ये एग्जाम है, जो कि आपका ये एग्जाम 11 फरवरी को विद्यार्थियों ये आपका एग्जाम आयोजित होना है। और इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पर जो आपको बड़े दिनों से जिसका इंतजार था बच्चों, यहां पर जिसका बड़े दिनों से इंतजार था बच्चों, यहां पर मुख्य रूप से यूपीपीएससी, याद रखिए बच्चों यूपीपीएससी का जो एग्जाम है इसका जो एग्जाम डेट आया है बच्चों, क्या आया देखिए यहां पर बच्चों, आप सभी विद्यार्थीगण यहां पर अच्छे से याद रखिएगा। अब जो इसका जो एग्जाम डेट यहां पर निर्धारित किया गया बच्चों, 17 मार्च को ये डेट निर्धारित कर दी गई। और विभिन्न एग्जाम है बच्चों जिसके यहां पर डेट निर्धारित की गई बच्चों, तो यहां पर बच्चों ये जो प्री होगा, यहां पर जो पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है बच्चों, तो ये यहां पर जो डेट निर्धारित की गई 17 मार्च है, जबकि आरओ आरओ का बच्चों जो यहां पर प्रीलिम्स जो एग्जाम होना है ये बच्चों आपका 11 फरवरी को ये एग्जाम होना है। और इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पर स्टाफ नर्स वाला जो एग्जाम है बच्चों, ये आपका 22 मार्च को एग्जाम आयोजित होना है। और यहां पर सहायक नगर नियोजक का बच्चों जो प्रारंभिक जो परीक्षा का जो एग्जाम होना है, ये बच्चों 7 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होना है। और इसके साथ ही साथ यहां पर जो वैकेंसी आई थी बच्चों आपकी अपर निजी सचिव परीक्षा, ये बच्चों इसका जो एग्जाम है आपके 9 अप्रैल को इसका एग्जाम आयोजित होना है। स्टाफ नर्स का बच्चों ये मुख्य रूप से इसका एग्जाम बच्चों 24 अप्रैल को आयोजित होना है। और यहां पर स्टाफ नर्स यूनानी वाला बच्चों जो परीक्षा है इसका एग्जाम बच्चों यहां पर 9 मई को आयोजित होना है। और सहायक नगर नियोजक की बच्चों जो मुख्य परीक्षा जिसका मेंस आयोजित किया जाना बच्चों, ये बच्चों मुख्य रूप से आपके 19 जून को विद्यार्थियों, 19 जून का इसका जो है एग्जाम आयोजित होना है। फिर देखिए बच्चों, यहां पर आपका यूपीपीसीएस का बच्चों जो आपका जो मेंस होना है, सम्मिलित राज्य और प्रवर अधीन सेवा का जो बच्चों मेंस आयोजित होना बच्चों, आपके 7 जुलाई से बच्चों ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि आपके यूपीपीएससी का जो मेंस जो एग्जाम डेट है यहां पर अभी से निर्धारित हो गई बच्चों, ये एग्जाम आपका 7 जुलाई से विद्यार्थियों, ये एग्जाम आपका 7 जुलाई से होना है। आप सभी विद्यार्थीगण यहां पर याद रखिएगा, प्रीलिम्स आपका 17 मार्च और जो आपका मेंस होना है विद्यार्थियों ये आपका 7 जुलाई से मेंस का एग्जाम यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पर आपका जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो मेंस का जो बच्चों यहां पर जो आपका जो मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम है, यहां पर आरओ आरओ का बच्चों जो मेंस होगा ये कब होगा विद्यार्थियों, यहां पर देखिए इसका जो मेंस है ये कब आयोजित होना बच्चों, ये इसका जो मेंस है बच्चों याद रखिएगा, इसका भी मेंस बच्चों 28 जुलाई को इसका मेंस का एग्जाम आयोजित होना है। तो सभी विद्यार्थीगण इन दो डेटों को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, यूपी प्रीलिम्स का एग्जाम डेट कब है, मेंस का कब है बच्चों। और इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पर उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा सेवा परीक्षा का जो आयोजन होना बच्चों, ये 18 जो है आपके 18 अगस्त को आयोजित होना है। और उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन बच्चों 25 अगस्त को भी आयोजित होना है। और चिकित्सा अधिकारी का जो परीक्षा है बच्चों ये आपके 15 सितंबर को आयोजित होना है बच्चों। यहां पर सारे एग्जाम को जो है डेट दे दी गई बच्चों। वैज्ञानिक जो अधिकारी का है इसका बच्चों आपका मुख्य रूप से 10 नवंबर तक, तो ये बच्चों एक साल का पूरा जो है कैलेंडर जो है यहां पर जारी कर दिया गया है, कौन सा एग्जाम किस डेट को जो है आयोजित होना है। लेकिन यहां पर आप सभी लोगों का जो
मेन जो टारगेट है यूपी पीसीएस और जो यहां पर जो मेन टारगेट है आपका बच्चों यहां पर आरओ प्रीलिम्स, तो ये दोनों एग्जाम जिसका प्रीलिम्स डेट बच्चों यहां पर पीसीएस का 17 मार्च, फिर से सुन लीजिए, मेंस बच्चों 7 जुलाई से आयोजित होना है और यहां पर आरओ का बच्चों जो प्रीलिम्स होना है 11 फरवरी को और जो इसका मेन्स का जो एग्जाम आयोजित होना है 28 जुलाई को बच्चों ये आपके एग्जाम आयोजित हो रहे हैं। तो सभी विद्यार्थीगण बहुत ही अच्छे से यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपके यहां पर एग्जाम डेट निर्धारित हो चुके हैं। तो बात ये बच्चों जब एग्जाम डेट निर्धारित हो चुकी है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो जिन विद्यार्थियों की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का सपना है और इसके साथ ही साथ बच्चों जिन विद्यार्थियों का एसडीएम डीवाईएसपी बनने का जो सपना है, तो इसको साकार करने के लिए बच्चों यहां पर शिक्षा कुल लेकर आ रहा है अंतिम प्रहार बैच। तो आप सभी विद्यार्थीगण हमारे अंतिम प्रहार बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को बच्चों यहां पर बेहतरीन करने के लिए यहां पर शिक्षा कुल पीसीएस से बच्चों आप लोग जुड़िए, क्योंकि बच्चों शिक्षा कुल यहां पर बेहतरीन बेहतरीन चीजें बच्चों आप सभी लोगों के लिए यहां पर लेकर आ रहा है। जी हां, सही सुना विद्यार्थियों, शिक्षा कुल अंतिम प्रहार बैच लेकर आ रहा है। तो सभी विद्यार्थीगण यहां पर रेडी रहेंगे हमारे प्रहार बैच से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।